हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपको पता है जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसमें हमने कल जो मोशन की तीन इक्वेशंस थी उनके बारे में जाना था, ठीक है। तो आज उसी के आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपको एक नई टर्म बताते हैं, चलिए देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है, यानी कि इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ऑब्लिक विथ इनिशियल वेलोसिटी, देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि अगर हम ये बोलें कि अगर हमारा कोई पार्टिकल है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण वो पार्टिकल ऑब्लिक यानी कि हल्का सा तिरछा जा रहा है, एक स्लोप बनाते हुए जा रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसका, ठीक है। अब समझते हैं ज़रा प्रोजेक्टाइल होता क्या है एक्चुअली में। अ बॉडी विच इज़ इन अ फ्लाइट थ्रू द एटमोसफियर बट इज़ नॉट बींग प्रपोल्ड बाय एनी फ्यूल इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यानी कि एक बॉडी है जो कि एटमोसफियर में है तो, लेकिन किसी भी फ्यूल की मदद से नहीं है, किसी भी फ्यूल की मदद से मूव नहीं कर रही है। फ्यूल यानी कोई भी उसमें ईंधन वगैरह नहीं है, उसकी मदद से मूव नहीं कर रही है, तो हम उसे कहेंगे कि वो मूव कर रही है एक किसी फोर्स के कारण, ओके। तो प्रोजेक्टाइल बॉडी कह सकते हैं हम उसको, हाँ। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हमें एजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। एजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारी बॉडी मूव कर रही है तो हवा में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी रुकावट नहीं होती है बॉडी के मूविंग के समय, ठीक है। द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है, यानी कि अर्थ के जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है ना, उसके कारण जो इफेक्ट है उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। अब जो इफ़ेक्ट है अर्थ की रोटेशन के कारण जो इफेक्ट पड़ता है उसे भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्ट्री द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे प्रोजेक्टाइल वे में गिरती है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, उसे हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ। अब क्या है इसमें कुछ दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, इन्हें भी ज़रा देख लेते हैं। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कैसा होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है। सो इट कैन बी डिस्कस्ड इन टू पार्ट, तो हम इसे दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, ओके। दीज टू मोशंस टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो दोनों मोशन होते हैं ये दोनों कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। इसी को हम कहते हैं फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिजॉल्व इन टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि जो वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल की वो दो कंपोनेंट में होती है, नंबर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नंबर सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द फ्लाइट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो फ्लाइट के दौरान चेंज नहीं होता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूसली इफेक्ट द वर्टिकल कंपोनेंट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा इफेक्ट करता है वर्टिकल कंपोनेंट पर। द हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और जो वर्टिकल मोशन होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन मोशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन के, ठीक है। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी कर रहे हैं। अब जरा कुछ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारे तीन टाइप के मोशन होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, ओके। तो बच्चों हमने ये जान लिया है किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ओके। तो बच्चों इसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।